जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इस महामारी को खत्म करने के लिए इन लोगों ने दिया सबसे अधिक दान। नंबर एक ने दिया 700 करोड़ रुपए। तो इसमें दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार किस खिलाड़ी ने या फिर किस फेमस पर्सनैलिटी ने कितना कितना दान दिया है इस महामारी को पूरे देश या फिर पूरी दुनिया में खत्म करने के लिए। तो इसमें आप सभी बने रहिएगा, यहाँ पर हम आपको हर एक के बारे में बताएंगे। और वहीं यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें भी निकल कर आ रही है उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि IPL को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, कहा इस तरह हो सकता है टूर्नामेंट का आयोजन, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि स्टीव स्मिथ ने दिया एक बड़ा बयान, कहा जब संन्यास लेंगे ये चार भारतीय खिलाड़ी तब रोएगा पूरा देश। तो जानेंगे कि आखिरकार स्टीव स्मिथ पर्सनली किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और वो खुद भी रोने वाले हैं जब वो खिलाड़ी संन्यास लेगा। तो ऐसे में आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल RS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी पूरे देश भर में एक महामारी ने अपने पैर पसार रखे हैं, जहां पर इस महामारी के चलते भारत को 21 दिन के लिए लॉकडाउन की स्थिति में डाल दिया गया है। तो ऐसे में हमें उम्मीद है कि आप सब भी बाकी सबकी तरह अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे होंगे और सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों का अच्छे से पालन कर रहे होंगे, और इसी में हम सभी भारतीयों की भलाई भी है। तो ऐसे में दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस महामारी को रोकने के लिए इतना जो नुकसान हो रहा है सरकार का और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो कि लगातार इस महामारी से जूझ रहे लोगों को बचाने के लिए एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं कुछ भी इसकी वैक्सीनेशन या फिर दवाई बनाने के लिए, लेकिन अब ये पैसा आए कहां से? तो इसमें दोस्तों कुछ बड़े बड़े उद्योगपति या फिर खिलाड़ी या फिर क्रिकेटर वगैरह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन सभी ने कुछ रकम दान की है। तो आइए चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नाम निकल कर आता है वो है अक्षय कुमार का। जी हाँ दोस्तों, जिसके आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार जब भी देश पे कोई संकट आता है तो उसके लिए सबसे आगे निकल कर आते हैं, और उन्होंने इस बार इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए 5 करोड़ रुपए का दान किया है। तो यहाँ पर अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रुपए दान दिए हैं। तो वहीं बात करें अगले व्यक्ति के बारे में, जो अगले व्यक्ति हैं वो हैं सलमान खान। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने कई बार देश में आर्थिक आपदा आने पर करोड़ों रुपए दान किए हैं। इसके अलावा सलमान खान गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए कई NGO की मदद भी कर चुके हैं। तो ऐसे में सलमान खान को महाराष्ट्र में कई जगहों पर इस महामारी के संक्रमण को खत्म करने के लिए मास्क वितरण करते हुए देखा गया। तो ऐसे में सलमान खान ने गरीब लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया है। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं अगले उद्योगपति के बारे में। जो अगले उद्योगपति हैं वो हैं टिम कुक। जी हाँ दोस्तों, एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक ने इस संक्रमण को खत्म करने की सहायता के लिए पूरी कोशिश की है, और हम आपको बता दें कि संक्रमण को खत्म करने के लिए टिम कुक ने $10 मिलियन का दान दिया है। तो $10 मिलियन बहुत बड़ी रकम दोस्तों होती है। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों ने क्या क्या दान किया है। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर निकल कर आता है पहला नाम इरफान पठान और यूसुफ पठान का, जिन्होंने भारत की मदद करते हुए सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया है। और बाकी आप यहाँ पे उनके ट्वीट को भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने पूरी पेटी की पेटी दिखा रखी आखिरकार उन्होंने कितने सारे मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए हैं। तो वहीं आगे बढ़ते हुए बात करें अगले खिलाड़ी के बारे में। जो अगले खिलाड़ी हैं वो हैं सौरभ गांगुली। जी दोस्तों, सौरभ गांगुली के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, वो BCCI प्रेसिडेंट हैं, और ऐसे में उन्होंने भी भारत की मदद करते हुए 50 लाख रुपए के राइस का डोनेशन किया है। मतलब चावल उन्होंने 50 लाख रुपए की कीमत के दान किए हैं। तो वहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हम बात करें विराट कोहली के बारे में। तो दोस्तों, विराट कोहली ने जो दान किया उसके आंकड़े अभी कहीं भी सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि अभी तो कोई भी वेबसाइट यह दावा नहीं करती है कि विराट कोहली ने कुछ भी दान किया है, लेकिन जैसे ही अभी हमें पता चलेगा, जैसे ही कुछ अपडेट वगैरह निकल कर आएगी, हम आपको उनके बारे में जरूर बताएंगे। तो वहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हम बात करें सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर से जुड़ी खबर ढूंढने पर हमें मिली कि सचिन तेंदुलकर ने भी 50 लाख रुपए दान किए हैं इस महामारी के रिलीफ फंड में, और बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों, बात करें मुकेश अंबानी जी की। तो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी ने देश के लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए मदद की घोषणा की है। तो वहीं उन्होंने काफी कुछ गरीबों के लिए किया है, गरीबों को उन्होंने खाना दिया, और वहीं जो गरीब लोग हैं उनको कुछ रकम भी दी है। और वहीं देश भर में मुकेश अंबानी जी ने 1 करोड़ मास्क और ग्लव्स बांटने का भी निर्णय लिया है, जो कि जल्दी लोगों में बांटना भी शुरू हो जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, बात करें आगे बढ़ते हुए बिल गेट्स के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने इस महामारी को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा अमाउंट यानी कि 700 करोड़ रुपए का दान दिया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इस महामारी की वैक्सीन बनाने के लिए बिल गेट्स ने 700 करोड़ रुपए का दान दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि
कितना बड़ा दान यहाँ पे बिल गेट्स ने दिया है। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या मानते हो कि आपकी नजर में कौन सबसे बड़ा इंसान है जिसने सबसे ज्यादा दान दिया है? तो आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि आईपीएल को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, कहा इस तरह हो सकता है टूर्नामेंट का आयोजन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आईपीएल के मुकाबले 29 मार्च यानी कि आज से 2 दिन बाद शुरू होने वाले थे वो अब 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिए गए। लेकिन 21 दिन के लॉकडाउन के बाद अब ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल स्थिति है कि आईपीएल के मुकाबले 15 अप्रैल से हो पाएंगे या फिर नहीं। तो इसी बीच रोहित शर्मा कल अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए और वहां पर उन्होंने कुछ आईपीएल के बारे में बात करते हुए कुछ बातें बोली। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि केविन पीटरसन के साथ इंस्टाग्राम पर चैट लाइव करते हुए रोहित शर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला। तो दोस्तों रोहित शर्मा ने कहा कि कुछ समय बाद जब सभी चीजें ठीक हो जाएंगी तो टूर्नामेंट का आयोजन किया जा सकता है। तो वहीं हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में अभी खेली गई T20 सीरीज में टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान दिया था। हालांकि वो चोट के चलते वनडे और टेस्ट सीरीज नहीं खेल सके थे जिसमें भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने यहाँ पर आईपीएल होगा इस बात की संभावना जताई है। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये संभावना बिल्कुल सही आईपीएल होना चाहिए या फिर नहीं, आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि स्टीव स्मिथ ने कहा जब संन्यास लेंगे 4 खिलाड़ी तब पूरा देश रोएगा। जब दोस्तों स्टीव स्मिथ ने अभी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े बयान दिए और उन्होंने कुछ 4 खिलाड़ियों के नाम बताए जिनके संन्यास लेने के बाद पूरा भारत क्या वो खुद भी रोने वाले हैं। जी दोस्तों यहाँ पर जो स्टीव स्मिथ ने नाम लिए वो नाम लिया ओपनर बल्लेबाज और भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा का। तो ऐसे में यहाँ पर रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद जरूर पूरा भारत तो रोने ही वाला है, भले ही स्टीव स्मिथ रोए या फिर नहीं। तो वहीं आगे बढ़ते हुए उन्होंने फिर नाम लिया विराट कोहली का, सुरेश रैना का और महेंद्र सिंह धोनी का। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या मानते हो, आप इन 4 खिलाड़ियों में से किसके संन्यास पे रोने वाले हो? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी पूरे भारत देश में क्या माहौल चल रहा है जिसके चलते हम सभी, और अगर बात करें हम बड़े बड़े खिलाड़ियों की और बड़े बड़े दिग्गजों की, तो वो सभी अपने घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सभी के मन में सोचता है कि घर में बैठ के आखिरकार क्या करा जाए, क्योंकि घर में बैठ के या तो हम अपने परिवार वालों के साथ समय गुजार सकते हैं या फिर कुछ खुराफाती दिमाग में आइडिया लेकर कुछ नया भी सोच सकते हैं। तो इसी बीच भारतीय क्रिकेट साथ हम सभी को सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और वो हर दिन एक से बढ़कर एक पोस्ट करते रहते हैं। तो इसी बीच टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज सुरेश अय्यर ने ट्विटर पर फैंस के कई सवालों के जवाब दिए। तो ऐसे में दोस्तों अब हम आपको बताएं कि आखिरकार सुरेश अय्यर से वो कौन कौन से बड़े बड़े सवाल किए गए उनके बारे में। तो चलिए अब आइए एक एक करके हम आपको उनके सवाल और जवाब बताते चलते हैं आखिरकार सुरेश अय्यर ने क्या जवाब दिए, और वहीं हम आपको बताएंगे सारे ही सवाल जो है ना वो अंत तक जरूर, कौन से खिलाड़ी के साथ आप बल्लेबाजी करना चाहोगे। तो इसके ऊपर सुरेश अय्यर ने लिखा, मैं विवियन रिचर्ड्स के साथ बल्लेबाजी करना चाहता हूं क्योंकि मैं उनसे ही क्रिकेट खेलना सीखा हूं। तो यहां पर उन्होंने विवियन रिचर्ड्स का यहां पर नाम लिया। तो वहीं जो अगला यूजर सवाल करता है वो ये होता है कि धोनी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो उन्होंने यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, शांत है, कंसिस्टेंट है और एक अच्छे लीडर है। तो यहां पर ये जवाब उन्होंने लिखा जो कि बिल्कुल सही भी है। तो वहीं आगे बढ़ते हम बात करें तीसरे सवाल के बारे में। जो तीसरा सवाल था वो ये था कि भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे मजाकिया खिलाड़ी कौन है। तो इसके ऊपर बारे में जो अगला सवाल है वो ये है कि आपकी सबसे पसंदीदा महिला खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा जेमिमा रोड्रिगस, जो कि भारतीय टीम की तरफ से खेलती हम सभी को दिखाई देती हैं। तो वहीं आगे बढ़ते हुए बात करें अगले सवाल के बारे में। जो अप्रैल से करवाए जाने वाले थे लेकिन अब वो जो मुकाबले हैं उनकी तारीख बढ़ा दी गई है, अब वो मई के पहले वीक से करवाए जाएंगे लेकिन अगर स्थिति में सुधार दिखता है तभी। तो ऐसे में अधिकारी ने सीधा सीधा लिखा कि बतौर कप्तान जब मैं दिल्ली के लिए खेल रहा था तो कोलकाता के खिलाफ खेली गई 93 रन की पारी मेरे लिए काफी यादगार रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी यादगार सबसे ज्यादा पारी कौन सी रही, वो वाली पारी जो उन्होंने 93 रन की खेली थी। तो वहीं आगे बढ़ते हुए बात करें अगले सवाल के बारे में। जो अगला बड़ा सवाल था वो ये था कि सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ शब्द कहिए, और जिस पर सुरेश अय्यर ने जवाब देते हुए कहा कि उनके बारे में मैं कुछ भी कहूँ वो कम ही है, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने उनको ही देख कर क्रिकेट खेलना शुरू किया था, वो मेरे लिए क्रिकेट खेलने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन थे। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के उन्होंने का भाग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। जो अगला सवाल था वो ये था आपके बचपन का हीरो और आदर्श कौन है। तो इसके ऊपर उन्होंने लिखते हुए कहा कि ये 5 बल्लेबाज मेरे आदर्श हैं, सचिन तेंदुलकर, दूसरे केविन पीटरसन, तीसरे एबी डिविलियर्स, चौथे रोहित शर्मा और पांचवे विराट कोहली। तो यहाँ पर दोस्तों यही थे वो 5 नाम जिनके बारे में सुरेश अय्यर ने बात करी। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या सुरेश अय्यर से सवाल पूछना चाहोगे, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही थी वो ये थी कि सुरेश अय्यर ने विराट कोहली को बताया कठोर, रोहित शर्मा और धोनी की जमकर की तारीफ। जी हाँ दोस्तों हम सबके लिए बहुत जरूरी है हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी के आदेशों का पालन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।